बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताज रेजिडेंशिया रावलपिंडी, एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को पूरी वाच कर लो ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ये असर का टाइम है, एक खूबसूरत व्यूज़ के साथ कुछ न्यू अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये सामने जो ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, ये अर्चड ब्लॉक है और अर्चड ब्लॉक में काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन कंस्ट्रक्शन हुई है। ताज रेजिडेंशिया का लोकेशन एक बेहतरीन लोकेशन है और आजकल जो काम चल रहे हैं वो डेफोडल्स ब्लॉक में कटिंग हो रही है, लेवलिंग का काम जारी है। और मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि ताज रेजिडेंशिया वालों का यही एक तरतीब है कि वो ब्लॉक टू ब्लॉक आगे जा रहे हैं और इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो बहुत जल्द रोज़ ब्लॉक और डेफोडल्स ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये एक छोटा सा ग्राउंड, तो सेकेंड टाइम यहाँ पे बच्चे आते हैं, खेलते हैं, बहुत खूबसूरत व्यूज़ है। साथ में बिल्कुल सीडीएस सेक्टर I-14 और I-15 भी है। और ये इस साइड पर ये जो सामने कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ये गार्डिनिया ब्लॉक है। गार्डिनिया ब्लॉक में भी काफ़ी घर कंप्लीट हो चुके हैं, लोग यहाँ पे रिहाइश पसीर भी हैं। ये आप देख सकते हैं जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन हुई है और ये साथ में बाउंड्री भी है, ये जो दीवार नज़र आ रहे हैं। इस सामने भी कुछ कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, एक बेहतरीन लोकेशन। और ताज रेजिडेंशिया का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट है। हाँ, डेवलपमेंट के लिहाज से कुछ स्लो है, काफ़ी टाइम से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। बहरहाल इनके कुछ ब्लॉक्स जो हैं काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, जिस तरह लीली ब्लॉक है, टिवली ब्लॉक है, या अर्चड ब्लॉक और गार्डिनिया ब्लॉक। हम इंशाल्लाह इसके बाद बिल्कुल द एंड तक जाएंगे, जहाँ पे लोटस ब्लॉक और ग्रीन ब्लू बेल और दूसरे ब्लॉक्स भी आप लोग को दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने का।